नमस्कार। गरीबों के मसीहा बने सोनू सूद लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने हजारों लोगों की परेशानियों को सुना और उसे दूर करने की कोशिश की। अब सोनू सूद के घर जनता दरबार लगने लगा है। आलम यह है कि हर रोज लोग उनके घर के बाहर अपनी परेशानियां लेकर खड़े रहते हैं। सोनू सूद लोगों की इन परेशानियों को एक एक करके सुनते हैं और दूर करने का आश्वासन देते हैं। हाल ही में उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोनू सूद ने सभी लोगों की परेशानियों को सुना। लोगों की इस मुलाकात के वीडियो को सोनू सूद के एक फैन ने ट्विटर पर साझा किया, जिसको एक्टर ने रीट्वीट कर बेहद ही खास बात कही। वीडियो को रीट्वीट करते हुए सोनू सूद ने लिखा, जिस दिन ये भीड़ गायब हो जाएगी मैं महसूस करूंगा कि दुखों का अंत हो गया, आइए इसे जल्द ही एक साथ करें। अब परेशान लोगों की मुलाकात से जुड़ा सोनू सूद का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उनके फैंस और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स एक्टर के पोस्ट को पसंद कर रहे हैं, साथ ही कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे इस वीडियो के अलावा सोनू सूद अपने एक खास वीडियो की वजह से चर्चा में है। हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो अब अपनी नई सुपरमार्केट खोल चुके हैं। इस सुपरमार्केट का नाम सोनू सूद की सुपरमार्केट है। सोनू सूद का ये अंदाज उनके फैंस को पसंद आया। चलिए दिखाते हैं आपको ये वीडियो। कौन बोलता है मॉल बंद हो गया। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा महंगी सुपरमार्केट रेडी है। ये देखिए सब कुछ है मेरे पास। अंडा है जो इस समय 6 रुपए का मिल रहा है, और उसके बाद ब्रेड है बड़ी वाली जो 40 रुपए की है, छोटी वाली ब्रेड 22 रुपए की है, साथ में पाव है, रस है, मूढ़ी है और बहुत सारे चिप्स वगैरह हैं। जिसको भी चाहिए आगे आइए भाई, तो जल्दी से जल्दी मुझे ऑर्डर कीजिए। मैं अभी डिलीवरी का टाइम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, डिलीवरी के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं बॉस। तो मिलते हैं बॉस सोनू सूद की सुपरमार्केट, एकदम हिट है बॉस, चलते बॉस। बताते चले सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है। सोनू ने गांव में वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए ऐप को लॉन्च किया है और ट्विटर अकाउंट के जरिए सोनू ने इस बात की जानकारी दी है। सोनू का कहना है कि ऐप के जरिए भारत में तेजी से टीकाकरण हो सकेगा। चलिए जाते जाते आपको ये वीडियो भी दिखाते हैं। दोस्तों, हम सब लोग बड़े शहरों में या तो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं या वैक्सीनेशन के रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बों में जहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोगों को पता नहीं कि कैसे रजिस्टर कराना है, वो लोग कैसे रजिस्टर करवाएंगे। इसी जरूरत को जहन में रखकर मैंने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसका नाम है कवरेज। और ये कवरेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देश भर के सभी वॉलंटियर्स को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। तो आप लोगों को इस पे रजिस्टर करवाना है। ये देश का सबसे बड़ा वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म रहेगा और आप सब के जरिए हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग अपने आप को रजिस्टर करवाने में असमर्थ हैं। याद रखिए, ये देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पर हर भारतीय, हर उस जरूरतमंद भारतीय के लिए वॉलंटियर बनेगा और उसे रजिस्टर करवाएगा वैक्सीनेट होने के लिए। जय हिंद।